वो मुझे अदालत में धकेलने की धमकियां दे रहा है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पीछे क्यों नहीं हट जाता। इतना कमजोर समझते हो अपने बाप को क्या? बात कमजोर और ताकतवर की है ही नहीं बाबा साहब। एक बात करनी है बाबा साहब। बैठो। कब तक ये सब ऐसे ही चलेगा बाबा साहब? क्या ऐसा कब तक चलेगा? मेरा मतलब है कब तक आपकी अना के पीछे लोग मरते रहेंगे? शमशेर इस खानदान का हिस्सा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप उसकी गलतियां माफ क्यों नहीं कर देते? अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देते? वो मुझे अदालत में धकेलने की धमकियां दे रहा है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पीछे क्यों नहीं हट जाता। इतना कमजोर समझते हो अपने बाप को क्या? बात कमजोर और ताकतवर की है ही नहीं बाबा साहब। उसने आपको नहीं, आपने उसे पैदा किया है। वो बच्चा है, आप बड़े हैं। जब ऊपर वाला हमें माफ कर सकता है तो आप उसे माफ क्यों नहीं कर सकते? ठीक कह रहे हो, बिल्कुल कर सकता हूं मां, बिल्कुल कर सकता हूं। उसको कहो कि उसको छोड़ के घर वापस आ जाए, उससे अपना रिश्ता खत्म कर ले, अगर ये रिश्ता निभाना है तो। वो ऐसा नहीं करेगा। जो अपनी मां के मरने के बाद कमजोर नहीं पड़ा, तुम उसके लिए मुझे कह रहे हो कि मैं पीछे क्यों नहीं हट जाता, उसे माफ क्यों नहीं कर देता, अपनी इज्जत क्यों नहीं खत्म कर देता? पॉसिबल नहीं है। Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.